स्वागत है हैंड टू हार्ट में आप सबका। आज मैं लाई हूँ ऐसी रेसिपी जिसको नाम दिया है मैंने ओट्स चिल्ला। ये आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम ले सकते हो और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने करीब एक कप ओट्स, जिसको ले लूँगी एक बाउल में। इसमें डालेंगे एक कप छाछ यानी बटर मिल्क। वैसे ओट्स का कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए मैंने बटर मिल्क लिया है। आप पानी भी ला सकते हो या फिर दही। इसको करीब 10 मिनट हम भिगवाएंगे, ऐसे ही छोड़ दे। अब ले लेंगे इसको मिक्सर जार में। इसमें डालेंगे करीब 2 चम्मच जितना ग्राम फ्लोर, बेसन, इसको चर्न कर लेंगे हम। ज़रूरत लगे तो आप पानी या छाछ ऐड कर दीजिए और बैटर प्रिपेयर करें। ऐड करेंगे सॉल्ट, अच्छे से मिक्स कर लें। ये हो गया चिल्ले के लिए बैटर तैयार। चलिए बनाते हैं चिल्ला। थोड़ा सा बैटर लेके आप स्प्रेड कर ले। ये मैंने रेगुलर लोहे का तवा लिया है जिस पे हम रोटी सेकते हैं। आप नॉन स्टिक भी ले सकते हो। स्प्रेड करेंगे वेजिटेबल्स, इसमें टोमेटो, ऑनियन और कैप्सिकम लिया है। अपने हिसाब से कम ज़्यादा वेजिटेबल ले सकते हो। थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि निकले नहीं। थोड़ा सा ऑयल, मीडियम फ्लेम पे इसको 2 मिनट पकाइए। अब इसको टर्न कर लेंगे धीरे से। थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। करीब 2 मिनट के बाद ये तैयार है हमारा चिल्ला। ले लेंगे प्लेट में। गरम गरम इसको टोमेटो केचप चटनी या लहसुन की चटनी, ग्रीन चटनी, आप चाहे जिसके साथ सर्व करें, ये टेस्टी लगता है ना अट्रैक्टिव। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।